बड़ी खबर पोहरी से आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के सिंधिया कौन सी तोप वाले बयान पर राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ राठखेड़ा ने पलटवार किया है। बोले सिंधिया तोप हैं, तोप थे और तोप रहेंगे। 2023 तक कमलनाथ जी सपने देख लें, अपना टाइम पास कर रहे हैं। कमलनाथ जी 2023 में भाजपा की सरकार बनेगी। पोहरी से संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। कमलनाथ जी जो कह रहे हैं कि सिंधिया जी तोप नहीं है, सिंधिया जी वो तोप है। जब वो तोप का गोला चला तो कमलनाथ जी उतरे मुंह रोड पे जाके गिरे। वो सिंधिया है, वो इतनी बड़ी तोप है, वो जिधर नज़र करते हैं उधर ही सरकार चल देती है। इस सरकार को यदि किसी ने हिलाया गिराया तो सिंधिया परिवार है, चाहे अम्मा महाराज विजयराज सिंधिया जी हों, चाहे उनके पोते ज्योतिराज सिंधिया महाराज हों। कमलनाथ जी के पास सब कुछ बचा नहीं है और कमलनाथ जी पूरी कांग्रेस के पास सब कुछ बचा नहीं है। और जो भी कुछ दम कम है तो देश में पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कौन शेर है कौन चूहा है ये पता लग जाएगा। सिंधिया जी तोप थे, तोप है, सदैव तोप रहेंगे। अब जो व्यक्ति अपने घर को नहीं संभाल पाया, गिने चुने मेम्बरों को नहीं संभाल पाया, वो व्यक्ति 23 के ख्वाब देख रहे हैं। 23 भी देख लेना और 24 भी देख लेना, सरकार भाजपा की केंद्र में बनेगी, मोदी जी के मार्गदर्शन में बनेगी। और यहाँ शिव और ज्योति एक है, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की बनेगी। कमलनाथ जी कुछ दिन और कहेंगे तो अपना समय पास कर रहे हैं और समय पास उनको करने दो। सिंधिया तोप थे, सिंधिया तोप है और सिंधिया सदैव तोप रहेंगे।